नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवीन भाई और पनवेल की ताजा तरीन खबरें। नवीन भाई, शहर में जोरदार बारिश की दस्तक हो चुकी है। पहली ही बारिश में हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी एरिया में ज्यादा जल जमाव हुआ है। नवीन भाई आवाज की टीम हर एक क्षेत्र में पहुंची है, तो आइए एक नजर डालते हैं जल जमाव पर। हम आपको इस वक्त नवीनबे आवाज के टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वासी, चानपाड़ा, तुरभे, एपीएमसी बाजार, घनसोली, रबाले, महापे, इन सभी क्षेत्रों में भारी जल जमाव हुआ है। अब नवीन मुंबई महानगर पालिका के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब तक इन समस्याओं का समाधान निकलेगा, या हर साल की तरह ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा? पहली ही बारिश में नवीन मुंबई महानगर पालिका की खुली पोल। हम बारिश के सुबह से दोपहर तक के ही आंकड़े को दिखा रहे हैं, और वही जगह एक बात और भी बता दें आपको कि जहां नवी मुंबई शहर की खूबसूरती एक तरफ दिख रही है, वही जगह दूसरी तरफ नवी मुंबई महानगर पालिका के काले कारनामों के पोल खुल रहे हैं। कुछ नागरिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है बारिश को लेकर? बारिश वाला अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो समस्या मैं संडे से आई हूँ, मुझे वहाँ पे जाने के लिए अभी देखो तो आते वक्त बहुत प्रॉब्लम हुई थी, ऑटो वगैरह भी नहीं मिल रहा था, बारिश अभी बीत ही गई थी पूरा, तो इस वजह से मुझे लगता है मैं ज़्यादा भी बीमार हो सकती हूँ। ट्रेन का तो इशू ऐसे कुछ हुआ नहीं है, मतलब मैं आई थी तो अभी पता नहीं जा रही हो सकता है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, वैसे बहुत गर्मी थी, गर्मी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, बहुत परेशानी हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, ट्रेन बंद हो जाएगी। ट्रेन अभी थोड़ी लेट चल रही है, 10 मिनट लेट चल रही है। हाँ है, वो तो है, चांसेस तो है। इन समस्या को लेकर जमे हुए पानी को पंप की सुविधा से हटाया जा रहा है, और वही जगह वार्ड ऑफिसर हर एक क्षेत्र में पहुंचे हैं। और बारिश की समस्या को लेकर अधिक जानकारी नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त एन रामास्वामी ने बताया है कि काही ठिकाणी ते ऐरोली टी जंक्शन किंवा काही ठिकाणी ते जास्त पंप आता बसवतोय लावलेला आहे, आपल्या पूर्ण ते परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे ते आहे। आणि ज्या ज्या ठिकाणी अडिशनल पंपची गरज होते, इव्हन ऐरोली टी जंक्शनला वगैरे अडिशनल पंप पण बसवलेला आहे, तो सर्व फील्ड ऑफिसर्स फील्डवर आहे, सर्वांना मी तिथे राहिली ते सूचना दिलेला आहे, आणि ते कंटिन्युअस आपल्या ते फील्डवर आपले वरिष्ठ अधिकारी पण आहे, पूर्व तयारी आहे, आणि कुठल्या अडी अडचण आले तर ते आपल्या कंट्रोल रूम आणि पूर्ण कॅपॅसिटीने काम करत आहेत। काळजी घ्यावी, आणि ते प्रामुख्याने ते हायटाईड असताना त्या कालावधीमध्ये काळजी घ्यावी, त्या ठिकाणी ते पाणी असेल त्या ठिकाणी वाहन चालू नये, प्रामुख्याने ते अंडरपासला वगैरे पाणी असेल तर छोटा वाहन तो अजिबात ते वापरू नये, आणि ते परिस्थिती बघूनच ते त्यांनी बाहेर पडा। सकाळी 10 पर्यंत एकच झाडा होता, आता मी आताच्या फिगर मी घेतो। नवी मुंबई आवाज ब्युरो रिपोर्ट ओवर। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं नवी मुंबई और पनवेल की ताजातरीन खबरें।